सो ये गाइज वेलकम बैक तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में अब तक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख लिया अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया अब हम देखेंगे स्ट्रिंग कॉन्टेनेशन ऑपरेटर तो सेम एज इट इज हम एक जावा क्लास बना लेते हैं एज यूजल जो हम बनाते हैं तो जावा क्लास बनाएंगे इसको नेम देंगे हम वन सॉरी टू थ्री स्ट्रिंग कॉन्टेनेशन ऑपरेटर ठीक है ये कुछ हमारी कोडिंग विंडो ओपन हो गई इसमें कुछ अननेसे चीजें हटाते हैं यहां पे कमेंट बॉक्स लगाते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने के लिए ओके okay, टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ठीक है अच्छा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जो ऑपरेटर होता है स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑपरेटर नथिंग बट द प्लस ऑपरेटर ओके सो सबसे पहली पॉइंट पे नोट डाउन करने वाली चीज यह है कि जो ये प्लस ऑपरेटर होता है हमारे पास ये एक इकलौता ऐसा ऑपरेटर है जो ओवर ओवरलोडेड ऑपरेटर होता है ओवरलोडेड अरेथमेटिक ऑपरेटर होता है है ना तो यहां पे पहला नोट हम लिखेंगे यहां एंड only operator is plus operator plus operator which is which is overloaded overloaded अब ओवरलोडेड ओवरलोडेड क्यों कह रहे हैं क्योंकि प्लस ऑपरेटर जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे एडिशन का, का काम करता है जब यहाँ स्ट्रिंग के साथ हम कॉन्काटनेशन करते हैं तो वहाँ पे दो स्ट्रिंग को कनके कॉन्कटनेट करने का, का काम करता है ठीक है इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं ओवरलोडेड ऑपरेटर कहते हैं सम टाइम इट एक्ट एज अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड सम टाइम इट एक्ट एज स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन ठीक है तो आ, अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे है आ, अगर हम 10 प्लस ट्वेंटी सिंपली अगर ले रहे हैं इज टू थर्टी अगर करें टेन प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू थर्टी ये क्या हो गया हमारा सिंपल एक अरिथमेटिक uh, ऑपरेशन हो गया है ना इसको दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं इंट इंट ए इज इक्वल टू टेन सॉरी मेन मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स

एक सी वेरिएबल है उसमें हमने टेन प्लस ट्वेंटी किया तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर जो है वो कैसे काम कर रहा है एडिशन ऑपरेशन का काम कर रहा है ना तो ऑपरेशन यहाँ प्लस ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेशन की तरह काम कर रहा है अगर हम यहाँ पे ले, ले लें स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी सी डी ओके तब यहां परिंग ऑपरेटर जो ऑपरेटर uh, है यहाँ पे प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग कॉन्टेनेशन का काम कर रहा है स्ट्रिंग कॉन्टेनेशन

और कुछ int ले लेते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल लेते हैं int A में हम टेन स्टोर कर देते हैं बी में हम ट्वेंटी स्टोर कर देते हैं एंड सी में हम थर्टी स्टोर कर देते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं अब हम यहाँ पे आ, कुछ केसेस लेने वाले हैं कुछ मिस्टेक है क्या अच्छा ये बी है ये सी है ये डी है अभी भी कुछ मिस्टेक है अच्छा अच्छा यहाँ पे मैंने ये ले रखा है ना सी ले रखा है ओके फाइन अब यहाँ हम कुछ केसेस लेने वाले हैं केसेस लेके उसे हम समझते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट केस लेने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है मेरे अकॉर्डिंग इसलिए मैं केसेस लेता हूँ यहाँ पे मैं एक केस ले रहा हूँ यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी राइट एक केस ये लिया कॉपी कर लेते हैं पेस्ट करते हैं पेस्ट करते हैं पेस्ट करते हैं, हैं। यहाँ पे ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए ए यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे बी प्लस सी प्लस डी ए यहाँ पे रखते हैं एंड बी प्लस ए प्लस सी प्लस डी ओके ये यहाँ पे रखते हैं अब इनका हमें आउटपुट देखते हैं अब वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे आउटपुट इसका निकाल सकते हो है ना तो पहले हम इसे वन बाय वन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट वन ये सॉल्व करते हैं ए प्लस बी प्लस प्लस डी ओके सो ए क्या है हमारा ए हमारा स्ट्रिंग है हमारा है ना ए हमारा स्ट्रिंग है एंड बी पी सी एंड डी क्या एंटीज टाइप है राइट तो सबसे पहले ये जो जब हम एक से ज़्यादा ऑपरेटर होते हैं हमारे पास एक से ज़्यादा प्लस ऑपरेटर या एक से ज़्यादा कोई भी ऑपरेटर होता है तो हम एसोसिएटिव एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करते हैं लेकिन यहाँ पे सारे ऑपरेटर सेम है तो सारी एसोसिएटिविटी क्या होगी सॉरी जब एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं तो हम प्रेसिडेंस रूल फॉलो करते हैं है ना लेकिन यहाँ पे सारे ऑपरेटर क्या है सेम एज इजन सारी सा, सारे के सारे के प्रेसिडेंस क्या होंगे सेम होंगे सबके सबके प्रेसिडेंस सेम होंगे तो हम यहाँ पे प्रेसिडेंस जब यहाँ पे रूल फ्लॉप होता है तो हम एसोसिएटिव एसोसिएटिविटी का रूल फॉलो करते हैं तो प्लस ऑपरेटर जो होता है उसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है लेफ्ट टू राइट होती है तो सबसे पहले लेफ्ट वाले सॉल्व होते हैं फिर उसके बाद राइट right वाले सॉल्व होते हैं तो आप यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा ऑपरेटर है ना तो यहाँ पे पहले प्रेसिडेंस देखेंगे प्रेसिडेंस फ्लॉप हुआ तो हम यहाँ यहाँ क्या देखेंगे एसोसिएटिविटी देखेंगे राइट right? तो एसोसिएटिविटी मतलब एसोसिएटिटी एसोसिएटिविटी मतलब कि पहले लेफ्ट वाले जो होंगे सॉल्व होंगे तो ए प्लस बी वाला सॉल्व होगा तो ए क्या है स्ट्रिंग है है ना ए स्ट्रिंग है मतलब ए में क्या स्टोर है? है अब्दुल स्टोर है राइट right? तो अब्दुल प्लस एंड इंटीजर बी यानी कि टेन है यहाँ पे तो यहाँ कॉन प्लस कैसे काम करेगा यहाँ पे कॉन का, का काम करेगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी अब्दुल प्लस 10 यानी कि अब्दुल 10 हमारे पास आउटपुट हो जाएगी तो फिर अब बाकी का बचा क्या पार्ट बचा अब्दुल 10 प्लस सी प्लस डी यानी कि ये ऐसे काम करेगा आप यहाँ पे देखो ये काम करेगा अब्दुल 10 इसका ए प्लस बी का ये आउटपुट हुआ अब्दुल 10 एंड देन उसके बाद प्लस सी प्लस डी है ना फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे हम जब आगे इसको फिर से जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा अब्दुल अब्दुल टेन फिर उसके बाद ये ये दोनों क्या ये दोनों जब कॉन्कैटिनेट हो गए तो क्या कॉन्कैटिनेट कार, स्ट्रिंग बन गए तो ये टोटल स्ट्रिंग बन गया टोटल हमारे पास अब्दुल वन अब्दुल वन जीरो क्या हो गया? हमारे पास स्ट्रिंग मिल गया अब स्ट्रिंग प्लस सी सी कितनी वैल्यू है ट्वेंटी स्ट्रिंग प्लस इंटीजर फिर भी हमें क्या फिर हमें क्या मिलेगा स्ट्रिंग मिलेगा तो अब्दुल टेन कॉन्कैटिनेट हो जाएगा ट्वेंटी क्या हो जाएगा इसमें कॉन्कैटिनेट हो जाएगा है ना फिर से प्लस डी है ना फिर फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा अब्दुल टेन ट्वेंटी फिर उसके बाद थर्टी क्या हो जाएगा कॉन्टनेट हो जाएगा क्यों क्योंकि हमारा अब्दुल टेन ट्वेंटी क्या है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है स्ट्रिंग और इंटीजर क्या हो जाएगा हमें क्या मिलेगा आ, स्ट्रिंग मिलेगा तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग फाइनल मिलेगी अब्दुल टेन अब्दुल टेन ट्वेंटी थर्टी ये हमारी फाइनल स्ट्रिंग मिलेगी सेम एज इट इज हम इसको भी सॉल्व करेंगे हम इसको भी सॉल्व करेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी एक से ज्यादा ऑपरेटर है तो ऑपरेटर एक से ज्यादा है तो यहाँ प्रेसिडेंस रूल फॉलो होगा प्रेसिडेंस रूल यहाँ पे फ्लॉप हो गया क्योंकि सेम सेम प्रेसिडेंस रूल रूल है तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी हम चेक करेंगे एसोसिएटिव रूल क्या कहती है पहले लेफ्ट वाली सॉल्व होगी तो बी प्लस सी सॉल्व होगा तो बी और सी दोनों क्या है इंटीजर है तो बी और सी सॉल्व होकर क्या मिल जाएंगे हमारे पास टेन एंड टेन एंड ट्वेंटी क्या हो जाएंगे थर्टी हो जाएंगे राइट तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें पहले पहले मिल जाएगा थर्टी एंड प्लस

एक स्ट्रिंग मिलेगी फाइनल आउटपुट हमें, हम हमें हमने क्या देखा कि एक से ज्यादा क्या है यहाँ पे ऑपरेटर है तो यहां रूल फ्लाफ, फ्लाफ हो सेम ऑपरेटर है फिर हमने आसोसियति, आसोसियति रूल देखी तो लेफ्ट वाले पहले सॉल्व होंगे बी प्लस सी सॉल्व होकर थर्टी मिलेगा तो यहाँ पे हमें सॉल्व होकर पहले थर्टी मिलेगा फिर प्लस सॉरी प्लस ए प्लस डी ओके फिर इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा थर्टी प्लस ए ए कितना है हमारे पास अब्दुल अब्दुल क्या है स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग और इंटीजर कॉनकेटनेट हो जाएंगे यहाँ पे प्लस कैसे काम करेगा स्ट्रिंग के साथ प्लस कैसे काम क्या काम करता है कॉन्टिनेशन का, का काम करता है तो यहाँ पे थर्टी और अब्दुल क्या हो जाएंगे कॉन्टनेट हो जाएंगे फिर उसके बाद हमें फिर से यहाँ मिलेगा थर्टी फाइनल स्ट्रिंग में फाइनल आउटपुट लिख रहा हूँ मैं थर्टी अब्दुल फिर उसके बाद डी क्या होगा डी यहाँ पे कान कॉन्केटनेट हो जाएगा है ना अब्दुल के साथ कॉन्टेटनेट हो जाएगा ठीक सेम एज इट इज हम यहाँ पे देखते हैं तो b प्लस a क्या है यहाँ पे स्ट्रिंग है यहाँ पे है ना तो सॉरी a क्या है स्ट्रिंग है b क्या हमारे इंटीजर है तो ये कॉन्टेटनेशन का, का काम करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा टेन हमें यहाँ पे मिलेगा टेन टेन अब्दुल राइट फिर उसके बाद हमें सी डी हमें देखना है तो सी डी सी और डी भी क्या होंगे इसमें कॉन्केटनेट हो जाएंगे क्यों क्योंकि यहां पे अब्दुल क्या है स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग का, का काम करेगी तो स्ट्रिंग के साथ प्लस का प्लस ऑपरेटर कॉन्केटनेशन का काम का का करता है राइट तो यहाँ पे ट्वेंटी एंड थर्टी क्या हो जाएंगे कॉन्केटनेट हो जाएंगे ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा राइट आप चाहो इसे हम क्या कर सकते हैं रन कर से देख सकते रन करके देख सकते हैं कभी भी एग्जीक्यूट करने से पहले खुद उसे रन करके देखो क्या आउटपुट आ रहा है उसके बाद अपने आउटपुट से उसे मैच कराओ क्या डिफरेंस आ रहा है ना तो इससे क्या होगा ट्रेसिंग करने से आपका क्या होगा आपका हाथ जो ना साफ हो जाएगा आपका दिमाग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे ठीक है अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू यहाँ पे एग्जाम्पल लेता है ए हमने सारी चीजें तो यहाँ पे डिफाइन करी हुई है तो फिर से करने की जरूरत नहीं है हमने हम इसी से एग्जाम्पल ले लेते हैं ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी पहला एग्जाम्पल एंड दूसरा हमारे पास है क्या ए इज इक्वल टू ए सॉरी ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है बी इज इक्वल टू बी प्लस सॉरी या b ओके फोर्थ वन हमारे पास है बीज इक्वल सी प्लस डी ओके इनमें से क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है ये हमें चेक करना है राइट right? तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट पहले राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो b क्या है इंटीजर है हमने यहाँ पे देखा b क्या इंटीजर है c भी क्या इंटीजर है d भी क्या इंटीजर है तो टोटल ओवरऑल हमें क्या मिलेगा

ओके okay, इनवैलिड हो गया दूसरा हम पे देखते हैं ए प्लस बी ए प्लस बी क्या A के हमारे पास स्ट्रिंग है राइट बी क्या इंटीजर वैल्यू है तो ए स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू कॉन्केटनेट हो जाएंगे हो के हमें क्या मिलेगा स्ट्रिंग मिलेगा क्या मिलेगा अब्दुल टेन मिलेगा फिर उसके बाद हमारे पास uh, सॉरी फिर उसके बाद सी हम इसमें इसमेंट कर देंगे जो स्ट्रिंग मिली रहेगी उसमेंट कर देंगे यानी यानी कर देंगे राइट हैंड साइड क्या मिलेगा अब्दुल एंड तो अब्दुल एंड टेन एंड ट्वेंटी क्या है टोटल फॉर्म क्या है स्ट्रिंग के फॉर्म में स्ट्रिंग का फॉर्म जा रहा है किसमें स्ट्रिंग के फॉर्म में ए क्या है हमारे पास स्ट्रिंग है ये टोटली वैलिड है वैलिड कैसे पता चला ना ये राइट हैंड साइड क्या मिल रहा है टोटल हमें आउटपुट क्या मिल रहा है स्ट्रिंग मिल रहा है राइट क्यों क्योंकि जब प्लस ऑपरेटर होता है प्लस ऑपरेटर जब स्ट्रिंग के साथ लगाते हैं तो वो कॉन्केटनेशन का काम करता है लेकिन जब हम दोनों प्लस ऑपरेटर दो अरिथमेटिक अरेटिक्री वैल्यू के बीच में लगाते हैं यानी कोई इंटीजर वैल्यू के बीच में लगाते हैं तो वो किसका काम करता है अरिथमेटिक ऑपरेशन का, का, का काम करता है राइट तो यहाँ पे ए क्या है ए हमारा स्ट्रिंग है स्ट्रिंग के बीच स्ट्रिंग के बीच में अगर हमने क्या लगाया प्लस ऑपरेटर लगाया तो कॉन्केटनेशन का काम करेगा तो बी जो भी जो कुछ भी वैल्यू होगा वो क्या कर देगा उसमें कान कॉन्केटनेट कर देगा इस स्ट्रिंग में है ना तो ए में क्या होगा बी कॉन्केटनेट हो जाएगा सिंपली अगर हम यहाँ पे थर्ड वन देखें थर्ड वन क्या है ये भी टोटली तो, 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 वैलिड है बी प्लस सी क्या है टोटली ये इंटीज़र है है ना तो बी प्लस सी इंटीजर देगा फिर डी भी क्या है डी भी इंटीज़र देगा तो राइट हैंड साइड क्या है इंटीज़र है एंड बी भी क्या है इंटीज़र है तो इंटीजर को इंटीजर में हम असाइन कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ये भी क्या है वैलिड है अब फोर्थ वन देखते हैं पे प्लस सी ए क्या स्ट्रिंग देगा फिर डी भी क्या स्ट्रिंग देगा लेकिन स्ट्रिंग को हम किस में डाल रहे हैं इंटीजर में डाल रहे हैं तो ये इनकम्पेटेबल टाइप मिलेगा हमें एरर मिलेगा ये भी क्या इनवैलिड है इनवैलिड है एरर कौन सी मिलेगी हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगी इनकम्पैटेबल टाइप इनकमपैटेबल टाइप तो ये कुछ थे एग्जाम्पल स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जो मैंने अच्छे से बताया इसमें अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप प्लीज मुझे लेट मी नो मैं उसे नेक्स्ट uh, वीडियो में कवर आउट कवर इट आउट कर लूंगा बस एक बार मैं फिर से रिवाइज समरी uh, दे देता हूँ कि जो प्लस ऑपरेटर होता है वो ओवर यही एक ऐसा ऑपरेटर था जो ओवरलोडेड होता है जो कि कभी uh, स्ट्रिंग के साथ concaten, कॉन्केटिनेशन का, का काम करता है और अरथमेटिक के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन का, का काम करता है इंडीजर वैल्यू के साथ ठीक है तो यही एक ऐसा ऑपरेटर जो ओवरलोडेड होता है ठीक है होप आपको समझ में आया हुई है